भाजपा सरकार में पूर्व मंत्री भैयालाल राजवाड़े का एक वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में भाजपा के किसी कार्यक्रम में पूर्व मंत्री भैयालाल राजवाड़े वर्तमान में कांग्रेस के विधायक गुलाब कमरो पर अशोभनीय टिप्पणी करते हुए देखे गए। साथ ही उनकी बातों को सुनकर भाजपा के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी ताली पीटते एवं हंसते हुए देखे गए। सार्वजनिक मंच से पूर्व मंत्री भैयालाल राजवाड़े की इस टिप्पणी की चर्चा पूरे प्रदेश में है। इससे पहले विधायक अंबिका सिंहदेव पर भैयालाल राजवाड़े ने कमेंट्स किया था, जिसे लेकर कांग्रेस ने उनका विरोध किया था। आप भी सुनिए विधायक गुलाब कमरो के लिए क्या कह रहे हैं भैयालाल राजवाड़े। अब बहुत कम दिन है, 4 महीना और बचा है, आपका विधायक फिर वही आरटीआई लगाएगा। अब वही काम बचा है, 4 महीना के बाद फिर आईटीआई लगाएगा आरटीआई, और भैया लाल के लिए फिर दारू ढोएगा। अरे मैं जानता हूँ इसको यार, गुलाब सिंह जो विधायक थे ना, उसके घर में रहता था, मैं भी जाता था, और उसको बुलाए और ये खाना उना बनाए और दारू ढो के लाने हम लोग के पिया हुआ है। वहीं इस मामले पर विधायक गुलाब कमरो ने कहा कि पूर्व मंत्री का दिमागी हालात ठीक नहीं है, इसलिए सार्वजनिक मंचों से अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। पूर्व मंत्री भैया लाल पूरी तरह से उनका दिमागी हालात सही नहीं है, जिस तरह से अशोभनीय बयानबाजी मेरे प्रति किए हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। इसे जब सत्ता में मंत्री थे, इन्होंने अपने ही संसदीय सचिव के खिलाफ टिप्पणी की थी, इसके बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लेकर अशोभनीय टिप्पणी किए थे। मैं इनको बताना चाहूँगा, मुझे बड़ा खेद के साथ कहना पड़ रहा है, जो मेरे आदरणीय गुलाब भैया थे, जिनके कारण मैं सीखा हूँ और यहाँ तक आगे बढ़ा हूँ, आज कम से कम जो इस दुनिया में नहीं, उनके लिए टिप्पणी कर रहे हैं। एक आदिवासी समाज को नेता है, मैं खुद भी एक आदिवासी समाज का नेता हूँ। पहले अपना वो चरित्र देखें किस तरह थे, जब आज भी वो दारू के नशे में भूत हैं, जब भाषण दे रहे थे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब ये इनको अगर याद होगा अपना पुराना दिन, वो बंजारी डांड के पास सोस ग्राम है, किस तरह से इनको महिलाओं ने खदेड़ा था। इसके साथ आप देखेंगे अभी हाल में ही संसदीय सचिव जो वर्तमान है, उनके खिलाफ टिप्पणी की गई थी। इससे पहले 2013 में मुझे जान से मारने की धमकी, हाथ पैर तोड़वाने की धमकी दी है। मैं आपको बताना चाहूंगा, भाजपा का ये चाल चरित्र और चेहरा है आदिवासियों को दबाना, आदिवासियों को कुचलना। अब विश्व आदिवासी दिवस के दिन प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने हटाया था, इसके साथ ही आप देखेंगे राष्ट्रपति को इन लोगों की वहां नहीं बुलाया आपके, जब इतना सदन सांसद का उद्घाटन हुआ उसमें नहीं बुलाया। तो लगातार इनका आदिवासियों का अपमान, इससे पूर्व कलहारी में एक इनके भाजपा के नेता ही वो मेरे को लेकर टिप्पणी किए गए थे। इनका चाल चरित्र और चेहरा आदिवासियों को बदनाम करना, आदिवासियों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। भूपेश सरकार में जिस तरह से छत्तीसगढ़ की सरकार और मेरी लोकप्रियता से घबराए हैं, इसलिए अनर्गल बयानबाजी इन लोग कर रहे हैं, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। भैया लाल जी को शर्म आना चाहिए, पहले अपने गिरिवान में झांक के देखें। मैं एक आदिवासी जनप्रतिनिधि हूं, मेरे खिलाफ अगर इस प्रकार की टिप्पणी आप करेंगे, बार बार करेंगे, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, मानहानि का नोटिस जारी करूंगा। जिस तरह से आपने कहा है ना, मैं दारू खुद पीता हूं, ना ही दारू वालों में पसंद करता हूं, जिस प्रकार का मुझे अपना टिप्पणी ना करें। जिस तरह से आप गली गली में घूम रहे हैं ना, इसलिए मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको इनके विषय में जानना है तो आप चले जाइए उनके गाँव में, चर्चा में चले जाइए, इनके विषय में क्या है इनका चाल और चरित्र, इसलिए इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ।